दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। और ये घातांक करने से रिलेटेड है, उसमें का ही मतलब दूसरा टाइप है, थोड़ा हाई लेवल का सवाल है। तो ये पूछ रहा है ना कि 8 के घात 10, 9 के घात 7, 7 के घात 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। हम आपको एकदम और ट्रिक से बताएंगे। पहले तो समझ लीजिए कि अभाज्य वो संख्या होती है जो स्वयं से कटते हैं और एक से कटते हैं, उसे ही अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 8 तो कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 भी 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, 7 तो अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इतने के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो पहले हम इसको अभाज्य में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 8 को हम अभाज्य में लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर बीच में गुणा है। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और ये 7 तो अभाज्य है। तो देखिए 2 के घात, फिर ये क्या करेंगे, 2 के घात 10 लिखेंगे क्योंकि 8 के घात 10 हैं। फिर यहाँ पे 2 के घात 10, 2 के घात 10, 3 के घात कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 के घात 7 है ना, 3 के घात 7, 7 के घात 8। इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो बराबर मान आएगा, ठीक है। इससे आपको नहीं घबराना है, केवल ये अभाज्य गुणनखंड कहा है तो अभाज्य गुणनखंड में हम बदल रहे हैं। ऐसे तो आप मतलब जान जाएंगे ना, तो ट्रिक से तुरंत ही कर लेंगे अपने मन से। अब मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, ये अभाज्य हो गया, अब तो ये नहीं कटेगा। 3 गुणे 3 ये भी अभाज्य हो गया, 7 भी अभाज्य है। तो अब देखिए गुणनफल पूछ रहा है कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो गुणनखंड क्या हो गया, मतलब कि 2 का 10 बार गुणनखंड हुआ तो 10 हो गया, फिर ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक। फिर ये कितना हुआ, 7 हुआ, फिर ये 7 हुआ प्लस 8 हुआ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। 10 10 20 10 30 और 7 37 7 44 8 52, ठीक। तो ये इसका हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52 हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि तुरंत कैसे करेंगे, ये तो सीखने के लिए हम बताएं। लेकिन देख लीजिए कि 2 होता है वह अभाज्य गुणनखंड होता है, तो 8 को 2 के पदों में तोड़ दीजिए 3 बार, तो 3 बार 10 को 10 3 30, मतलब 3 बार जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 9 को 3 के रूप में तोड़ेंगे 2 बार, तो 7 को 2 बार लिखेंगे। घात को क्यों लिखते हैं, 7 को 1 ही बार, तो 1 ही बार उसको जोड़ देंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो स्वयं और एक से कटती हैं, उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है कि दिए गए गुणनफल में, ठीक है, दिए गए गुणनफल में 42 41 42 11 के घात 102 गुणे 361 के घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आँख मूंद कर कभी भी अगर जिस संख्या के इकाई के अंक में 1 हो और उसका घात कितना भी पूछे, हजारों लाखों में पूछे, तो उसका इकाई का अंक 1 ही होता है। 1 का कितना भी बार गुणा करेंगे ना, तो 1 ही होता है। तो इसके जिसके लास्ट के अंक में 1 हो और उसका घात लाखों हजारों करोड़ों अरबों में हो, तब भी उसका इकाई का अंक घात करेंगे तो 1 ही होगा। उसके बाद से देखिए इसमें भी 361 के भी लास्ट में 1 है और 52 घात हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, 1 का जितना भी बार करेंगे 1 ही होगा इकाई का अंक। तो देखिए 1 1 गुणे 1 गुणा, क्योंकि क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 1 गुणे 1 कर दिए तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। केवल इकाई के अंक में ये फार्मूला लगता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 3234 के घात 102 प्लस 3234 के घात 103 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 को हम पहले बता दें, जिसके अंत में 4 होता है। तो देखिए 4 का अगर 1 बार गुणा करेंगे, 4 का 1 घात करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 2 घात करेंगे 16 हो जाएगा, 4 का 3 घात करेंगे तो 16 चौके 64, 4 का 4 घात करेंगे तो 64 चौका कितना हो जाएगा आपका 256। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब विषम में 1 3 का, मतलब कि विषम जब घात हो रहा है तो उसके इकाई का अंक 4 आ रहा है, और जब सम हो रहा है तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। देखिए 2 विषम है 4 विषम है तो 6 ही आएगा ही, ठीक। तो जब 4 के घात सम हो तो इकाई का अंक 6 आता है, और जब 4 के घात विषम हो तो इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है, ठीक। तो 3234 लास्ट में 4 हैं और 4 का घात मतलब लास्ट का ही लेते हैं, लास्ट में जब जिसके भी अंक में 4 हो, कोई भी लाखों में हो संख्या, तो 4 का सम घात है ना, तो सम अगर घात होगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट का अंक इकाई का 6 हो जाएगा, ठीक। और प्लस, क्योंकि बीच में जो चिन्ह रहता है उसका चिन्ह को भी लिखते हैं, और 1234 34 में लास्ट में 4 है और इसका घात कितना है, विषम में है 103, तो विषम अगर होगा तो लास्ट में कितना होगा,
चार होगा, ठीक, विषम के लिए लास्ट में चार होगा, तो छः चार दस, इसको योग कर देंगे जीरो। क्यों योग करेंगे? क्योंकि अभी पूछा है इकाई का अंक, ये नहीं कि छः लिख देंगे या चार लिख देंगे, इकाई का अंक योग पूछा है। तो जो शेष आएगा, मान लेते हैं कि इसके लास्ट में चार आया, इसके लास्ट में छः आया, किसी के भी मतलब मान लेते हैं सपोज दैट, तो आप इसको योग करेंगे तभी तो इकाई का अंक निकलेगा ना। तो इसका शेषफल, इसका शेषफल का योग कर दिए, छः और चार का योग तो दस हो गया। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई दहाई, कभी भी दाहिने से चलाते तो इकाई दहाई, तो इकाई का अंक हो गया जीरो। तो ये आपका सवाल हो गया, और ये एकदम ट्रिक से सवाल है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में दोस्तों।